क्या आप ये जानते हैं, महादेव यानी भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत एकदम आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब नासा जैसी स्पेस लाइट एजेंसी भी नहीं दे पाई है। ये आपको नहीं पता होगा, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य हैं जो कि इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैलाश पर्वत का महादेव के निवास स्थान की वजह से विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों एवं यहाँ घटित कुछ ऐसी घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ वास करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े इन रोचक तथ्यों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को दुनिया के सभी धर्मों का मूल माना गया है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव ने कभी जन्म नहीं लिया है, इसलिए उनका न तो कोई आरंभ है और न ही अंत है, इसलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं जो जुड़े हैं कैलाश पर्वत के साथ। फैक्ट नंबर वन, कैलाश पर्वत पर चार महान नदियों का उद्गम होता है। सोचो यार, जहां एक नदी इतना सुंदर नजारा बना देती हो तो चार नदियां क्या ही सुंदरता का निर्माण करती हो। कैलाश पर्वत पर चार महान नदियां सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच दो झील हैं। पहली झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्योर वाटर की एक सबसे बड़ी लेक में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। सोचो यार, एक झील जो सूर्य के बराबर आकार की है। दूसरी झील राकसताल झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। कितना अमेजिंग है ना, एक तरफ झील जो सूर्य के समान है और दूसरी तरफ चंद्रमा के समान है। इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों। अमेजिंग फैक्ट नंबर टू, जैसे धारणा प्रचलित है कि गंगा नदी में नहाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे ही मानसरोवर झील में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे परफेक्ट टाइम सुबह 3 से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हिंदू पौराणिक कथाओं से भी हमें इस बात का पता चलता है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। अब इतना प्योर वाटर है तो बिल्कुल होता होगा। आगे है अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, मानसरोवर झील का पानी जब जम जाता है तो पिघलने पर एकदम मृदंग के जैसी आवाज आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो मृदंग के प्रकार की एक जाता है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है, शिव के धाम पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, क्या आपको यह पता है, वैज्ञानिकों ने यह माना है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वैज्ञानिक अभी तक इस आधार का पता नहीं लगा पाए हैं, अब ये तो महादेव की कृपा ही है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 5, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कैलाश पर्वत की ज्योग्राफिकल कंडीशन बड़ी रोचक और रहस्यमयी है। पवित्र कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। इसकी चोटी का शेप एकदम बहुत विराट शिवलिंग की तरह है, जैसे महादेव स्वयं दर्शन दे रहे हो। लोग कहेंगे वाह, एकदम गजब। इस चोटी पर सालों भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है, जैसे किसी ने पूरा दूध ही दूध डाल दिया हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, लेकिन 11वीं सदी में सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। अमेजिंग फैक्ट नंबर 6, ऐसे ही शिव के बहुत से भक्तों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा खराब क्लाइमेट सिचुएशन के कारण और कभी कभी पहाड़ अपना अचानक स्थान ही बदल देता है ना, एकदम दिलचस्प। लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कैलाश पर्वत अपनी जगह बदल देता है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 7, आप सबने स्वास्तिक जरूर देखा होगा। ये स्वास्तिक हर हिंदू धर्म को मानने वाले के घर में मिल जाएगा। स्वास्तिक का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। ऐसा ही स्वास्तिक कैलाश पर्वत पर जब सूर्योदय होता है
तो एक रहस्यमय स्वास्तिक की आकृति बनती है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणों की चमक के साथ विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान सूर्य भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं, है ना, एकदम अमेजिंग अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले आराधना कर रहा हूं। नासा आज तक इस बारे में पता नहीं लगा पाया है कि ऐसा क्यों होता है। कैलाश पर्वत को इसलिए ओम पर्वत के रूप में भी जानते हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। फैक्ट नंबर 9, चारों ओर एक अलौकिक शक्ति। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर स्टडी कर रहे साइंटिस्ट जार निकोलई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। तो ये थे कैलाश पर्वत के बारे में कुछ विशेष अनजाने तथ्य। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।